हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है डे 4 ऑफ महाराष्ट्र टूर। अभी सुबह के 8:45 हुआ है और थोड़ा मैं जल्दी निकल रहा हूँ। इधर खाने के लिए नहीं रुक रहा हूँ। अभी थोड़ा ना एनर्जी आज अच्छा लग रहा है स्टार्टिंग का, और रोड भी मुझे कल लास्ट में अच्छा मिला था। तो ऐसे होप करके चलते कि आगे का एक घंटा मुझे ऐसे ही रोड मिले। इधर से जलगांव जाना है, जलगांव 112 किलोमीटर है, तो आज ज़्यादा टाइम पास नहीं कर सकते, सीधा जाना पड़ेगा बिना रुके, बिना ज़्यादा कुछ इधर उधर देखे हुए। लेट्स होप कल का शाम का जो रोड मिला था वैसे ही आगे का रोड हो। चलो जर्नी स्टार्ट कर दे। मस्त ठंडा हवा छुटी है, पर क्या पता नहीं, मतलब कल शाम के जो ठंडी में साइकिल चलाने में 25-30 का स्पीड मिल रहा था ना, वो अभी नहीं मिल रहा है। मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो भी ट्राई करेंगे, अभी 9 बजे, 10 बजे तक जितना जा सके उतना जाएंगे, उसके बाद नाश्ता कर लेंगे। 22 के स्पीड से जा रहा हूँ, ट्राई करूँगा कि यही कंटिन्यूस रहे। ये लो घाट चालू हो गया अभी, क्या बोले अभी यार, मस्त मूड में निकला था। वैसे तो बहुत सारे फोर्ट्स बीच में दिख रहे थे, पर ये देखो इधर पीछे सही दिख रहा है, लालिंग का फोर्ट करके है ये, इधर से प्रवेश द्वार है उसका ये वाला, और ऊपर एकदम फोर्ट है ये। इधर से जो नज़ारा दिख रहा है ना, जलगाँव 89 किलोमीटर। मुझे लगता है मुझे पहले रुक के किधर खा लेना चाहिए था, क्योंकि अभी जंगल जैसा सब चालू हो गया, आसपास कुछ नहीं दिख रहा है खाने के लिए। देखते तो भी आगे 5-6 किलोमीटर जाके, और साला इधर आजू बाजू सिर्फ मार्बल का ही दुकान है। अभी 1 किलोमीटर हो गया, सिर्फ मार्बल से भरा है। देखो ये बाजू भी मार्बल पड़ा, एक ढाबा नहीं दिख रहा है, और जो भी होटल वगैरह है सब बंद है। वैष्णो ढाबा किधर है बाबा, बंद। मैंने अभी रुका था तो ऑनलाइन ही होटल बुक कर दिया है, वो जलगांव में एकदम सिटी में है बीच में, और यहाँ से वो है एक्जैक्टली 90 किलोमीटर से डिस्टेंस। पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा, पर मैं ट्राई करूँगा कि आगे का एक घंटा ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँ, क्योंकि रोड बहुत छोटा है और बहुत सारे ट्रक्स है इधर, पर धीरे धीरे भी जाना पड़ सकता है। लेट्स होप जल्दी पहुँचे, पर मैंने अभी ऐसा डिसाइड किया है कि एवरी 1 आवर कंटिन्यू साइकिलिंग करूँगा, तब पर फास्ट करूँगा थोड़ा। अभी 11 बजे हैं, पर धूप इतना नहीं आया जितना लगना चाहिए था,
मुझे लगा था बहुत धूप आएगा, हवा भी ठंड है। अरे देखो धूल, देखो वाट लग गया धूल से। मैं यहाँ से आया, ये साइड से आया, और जो वो रोड जाता है वो सीधा जलगांव जाता है। पर मुझे किसी ने बोला रास्ते में कि उधर पूरा काम चालू है यार, बहुत ट्रक्स रहते हैं, तो मैंने काम के लेफ्ट मार लिया। अमळनेर इधर से हम लोग जाएंगे अभी, और इधर से आगे से एक शॉर्टकट है, वो आगे से आगे जाता है। लेट्स गो, गूगल में बराबर हो नहीं तो लग गए। मस्त रोड मिल गए अभी, अमळनेर से फिर आगे जाएगा जलगांव। ऐसे ट्रैफिक नहीं रहेगा ना तो मैं ज़्यादा खींच सकता हूँ जोर से। मैंने ये रोड तो ले लिए, पर अभी जाके मुझे समझ रहा है ये रोड पे कुछ नहीं है। मतलब दोनों जगह जंगल है दोनों बाजू, और सिर्फ बीच में से रोड है। अभी ये कितना टाइम रहने वाला है क्या पता। आई होप अमळनेर तक आने तक कोई ना कोई शॉप मिल जाए, क्योंकि इधर से अमळनेर 25 किलोमीटर है। सो वो एक घंटा या उससे थोड़ा ज़्यादा, उसके आगे तो मुझे रुकना पड़ेगा किधर ना किधर। पूरे इंडिया में अगर अलग अलग ब्रांड का पानी किसी ने पिया होगा ना, वो मैं ही हूँ। हर एक 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के बाद ब्रांड कंपनी चेंज हो जाते हैं। ये है अमूल प्लस। लाइफ में ना गोल्स होना बहुत ज़रूरी है, मैटर नहीं करता छोटे है या बड़े है, क्योंकि ना लाइफ ना ये रोड की तरह है। देखो जिसका एंड हमें तो नहीं दिखता, पर एंड तो है। पर अगर ऐसे आप इसको रोड को देखोगे तो लगेगा वहाँ की आप कितना लंबा है और हम लोग कैसे सफ़र कर पाएंगे। बट इट डजेंट मैटर, आपको छोटे छोटे गोल्स रखना है। सो आप ऑक्यूपाई रहते हो, फिर जो बीच में ही दुनिया छोड़ के जाते हैं ना, मतलब सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे आपकी थॉट्स मन में आते ही नहीं है, क्योंकि आपके पास अपने गोल रहते। एक फेल हो गया दूसरा कर लेंगे, पर वो गोल कंप्लीट ज़रूर करते। जो सुसाइड करते हैं ना वो लोग लंबा देखते। ओ ये देखो रोड ख़त्म ही नहीं हो रहा है, कैसे होगा, इसलिए वो सुसाइड कर लेते। पूरा मेंटल हेल्थ का लगा देते। आज के दिन के 50 किलोमीटर्स हो गए, और अभी अमळनेर आने के लिए 5 किलोमीटर और है, तो हम लोग उधर रुकेंगे और थोड़ा लंच कर लेते हैं अभी क्या। यहाँ पे खाना मिलने वाला है, वो तो खा के आधे एक घंटे में फिर निकलेंगे आगे। खाना खा के हो गया है, अभी 1:30 बजे, पर धूप अभी ना इतना बढ़ गया ना, और मेरा गोल है 1 आवर में 20 किलोमीटर, ऐसे 3 घंटा करना और बीच बीच में रुक के।
बाप रे। अभी अमलनेर से आगे निकले हैं और ये देखो आजू बाजू कुछ नहीं है, इधर पूरा एकदम क्या बोलते हैं उजड़ी हुई खेती रहती ना, वैसे खेती भी नहीं दिख रही है। अभी कब से यही चालू है, एक आध किलोमीटर सीधा रोड रहता है फिर बीच में ही ऊपर चला जाता है। आई गेस फाइनली जाके रोड आया, मेन रोड आया कि नहीं आया क्या पता, ऊबर खाबर रोड है पूरा। ये देखो मस्त ओवरटेक कर रहा है, देखो इतना सा पैच सामने से इधर आने के लिए 5 किलोमीटर घूम के आना पड़ा। ये देखो ये पूरी ना भिंडी की खेती है, भिंडी मतलब लेडी फिंगर की, और ये देखो नीचे सब गिरी हुई है। पूरे रोड पे ना पानी का कुछ सोर्स ही नहीं है, तो अभी मुझे हाइड्रेशन टैबलेट्स लेना पड़ रहा है। नॉर्मली 1 लीटर में ही डालते हैं पर मैं डाल रहा हूँ 2। लास्ट 40 किलोमीटर बाकी है पर अभी क्या हो रहा है मुझे हर 5 किलोमीटर के बाद रुकना पड़ रहा है, बट दैट इज़ बेटर। एवरी 15 मिनट्स में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 5 किलोमीटर कंप्लीट हो, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 40 किलोमीटर्स 2 घंटे में होने चाहिए प्लस 1 आवर रेस्टिंग टाइम, सो 3 घंटे में। अभी बजे है एग्जैक्टली 3 बजे, तो 6 बजे तक मैं पहुँचना चाहिए। और 33 किलोमीटर बाकी है और थोड़ा रुक के अभी गन्ने का जूस पी दे, 4 दिन में पहली बार मिल रहा है मुझे अभी शॉप। साला ब्रिज बना है कि पहाड़ बना है, पहाड़ भी इतना चढ़ने को तकलीफ नहीं होते। अभी जाके मस्त सीधा हाईवे मिला, अभी अभी आधा घंटा मस्त भगाएंगे, 12-13 किलोमीटर होता है क्या देखते हैं। यहाँ पे आए गए ना कॉर्न की खेती किधर तो होती है, क्योंकि पूरे रास्ते में छोटे कॉर्न के पूरे दाने रहते ना वो पड़े हुए। हाँ मुझे बराबर लगा था, ये देखो पूरा इधर सब कौन साफ करके रखा हुआ है। अरे देखो पैर के नीचे भी मेरे कौन खत्म हुआ। अभी ये देखो कापूस, पूरे रोड पे कापूस पड़ा हुआ है, देखो मतलब आजू बाजू कापूस की खेती है। अरे वाह पूरा खेत ही खेत है, क्या मस्त अभी एटमॉस्फेयर है। देखो मेरे ये बाजू से रेलवे ट्रैक जा रहा है, उसके वो बाजू पहाड़ है, सेंटर में रोड और ये बाजू पूरा खेत ही खेत है। जैसे मैंने पहले भी बोला था भेड़ चाल में मत लगिए, अपनी खुद की राह चुनिए।
क्योंकि अगर एक सामने वाला उन लोग के लीडर गिर गया ना, सब लोग गिर जाएंगे। ये देखो ये बाजू ना पूरा सनफ्लावर का खेती है। ये देखो जलगांव जो है ना वो बनाना कैपिटल है, मतलब अगर हम लोग अभी थोड़ा और आगे जाएंगे ना तो सिर्फ बनाना का ही आपको पूरा मतलब खेती दिखेगी। अगर मुझे दिखा बीच में किधर तो मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। ये देखो पूरा मतलब जिधर तक आप देखोगे ना सिर्फ केले के झाड़ लगाए हुए हैं। ये लो गुड न्यूज़, 400 किलोमीटर हो गए पर अभी हमें और 15 किलोमीटर आगे जाना है। केले का तो पता नहीं पर ये देखो पपाया का पूरा इधर ये बाजू खेती है। मुझे ये 16-17-18 ऐसा स्पीड मिल रहा था, जैसे ही सूरज नीचे गया ठंडी लगने लगी और अभी स्पीड डायरेक्टली 23-24 मिल रहा है। ठंडी इतना पड़ रहा है ना, अभी फॉग पड़ने चालू हो गए। ये फॉग भी कुछ नहीं है, वेंड ही पूरा का पूरा धूल है। देखो इतना मतलब मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, ट्रक जा रहा है ना वो वाट लगा दिया पूरा। फाइनली जाके अच्छा होटल मिला है। मैं तो जलगांव सच बोलूं धूल गांव है, और जो भी जलगांव में रहते हैं मेरे पे गुस्सा मत करना, और इतना धूल है हवा में। मैं मालेगांव में भी बोला था कि आधा किलो धूल खाया रहेगा, इधर एटलीस्ट 3-4 किलो तो खाया रहेगा धूल। कैसे जीतो यार तुम लोग जलगांव में। रूम तो अच्छा मिला है देखो, पर ये भी रूम 800 में भी गिरा, पर बहुत अच्छा है। दूसरे के इधर लॉज वगैरह देखता ना मतलब सोफे के जगह धूल ही रहता है ऐसा मारता, तो दिस इज़ बेटर। और ज़्यादा आज कुछ ज़्यादा बाहर खाया भी नहीं है मैंने, जिस जगह एक खाया था उधर भी 80 रुपीज़ ही हुआ, मतलब पूरा दिन का मेरा टोटल कॉस्ट हुआ 120 रुपीज़। पानी का 2 बॉटल लिया इसलिए। अभी देखते रात के खाने का, ये लोग बोल रहे हैं 200 रुपये में पूरा थाली है, सो टोटल कॉस्ट होगा अराउंड 1200 आज के दिन का। अभी जट फ्रेश होके ज़रा तान देते हो एकदम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक्चुअली आज 400 होना था, 412 होना था, जो 418 किलोमीटर हुआ है। जाम हो गया था मैं पूरा, मतलब जलगांव तक मैं 5:30 बजे तक आ गया, फिर अंदर सिटी में घूमते घूमते मुझे 1 घंटा और लग गया। चलो जाने दो, ये वीडियो इधर ही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपना यूट्यूब फैमिली ग्रो कर सके। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।